वेलकम बैक एलआई टीवी इंडिया में। आपको बता दें, मौसम को लेकर उत्तर प्रदेश से अभी एक बड़ी खबर आ रही कि यूपी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि मौसम विभाग की जानकारों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में यूपी में मौसम का हाल थोड़ा बिगड़ा रहने वाला है। आपको बता दें, आज के लिए पूर्वी यूपी में घने कोहरे की संभावना के कारण मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अभी तक के अनुमान के मुताबिक आज के बाद उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। पहले पश्चिमी यूपी में और फिर दो तीन दिनों बाद पूर्वी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश, कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए जानते हैं कि किन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आगरा, इटावा और इसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे के साथ बिगड़े मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। चलिए जानते हैं कि किन जिलों में घने कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गोंडा, बलरामपुर, सिरापस्ती, बहराई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी और औरैया, इन जिलों में बढ़ सकता है बारिश का कहर और बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। इसी बीच चलिए जानते हैं कि क्या होता है येलो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड अलर्ट का मतलब। तो आपको बता दें, ग्रीन अलर्ट की अगर बात करें तो इस अलर्ट का मतलब होता है कि कोई खतरा नहीं है, बारिश की संभावना नहीं है। अगर येलो अलर्ट की बात करें तो इस अलर्ट के आने वाले खतरे के प्रति सचेत करता है मौसम विभाग। जैसे जैसे मौसम खराब होता है वैसे वैसे येलो अलर्ट को ऑरेंज अलर्ट में बदल देता है। अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो बारिश और आंधी की पूरी संभावनाएं होती हैं। इस अलर्ट का मकसद लोगों को सावधान करना होता है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए सतर्क करता है। चलिए अब जानते हैं कि यदि इस सीजन में अगर बारिश होती है तो इससे क्या फायदे होंगे। तो आपको बता दें, कृषि विभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा का कहना है कि पूरी यूपी में गेहूं की बुवाई फाइनल हो चुकी है और अगेती फसल है उसमें दूसरा पानी किसान लगा रहे हैं। यदि बारिश होती है तो ये फसलों को भी फायदा देगी। सरसों की फसल पर फूल खिल रहे हैं, गन्ने की फसल के लिए भी इसमें फायदा होगा। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से दो तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बारिश के कारण शहरों के प्रदूषण पर स्तर में कमी आने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का स्तर बढ़ेगा, कहीं घटेगा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जताया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आज शाम से दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी शीतलहर चलने की आशंका नहीं जताई गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।